चलो रहने दो। जैसे पत्थर उसके हाथ से गर्म पत्थर वहां गया तो वो चिंतित हो गया, क्योंकि गर्म था ना पत्थर, पानी में डाले तो ठंडा हो गया ना, टेंशन हो गई उसको। अब पानी में कौन से पत्थर को ढूंढेगा, वो गर्म था, अब तो ठंडा हो गया ना वो। और अगर उसको गर्म भी करना है मान लो, तो गर्म तो ऐसे होता है नहीं कि भाई आग जला के गर्म कर लेगा, वो गर्म पत्थर देना था। रोता रहा तो किसके पास में चला गया, गुरुजी के पास में चला गया। उसने कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, कम से कम 5 घंटे मेरे को लगे वो पत्थरों में गर्म पत्थर देखने में, जब इतने से पत्थर बचे था ना, तब मैंने सोचा कि गुरुजी ने बावड़ा बना दिया, इसमें गर्म पत्थर है नहीं, लेकिन मैंने तो मेरी जो भाई कर्तव्य था मेरा वो पूरा करना चाहता था, जल्दी जल्दी में वो गर्म पत्थर भी चला गया। गुरुजी ने कहा कि भाई देख, मैंने तो तेरे को अच्छे से बोला था, अब तू अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो उसका मैं क्या करूं? अब क्या काम करना है, वो सारे पत्थर बाहर निकाल और दोबारा से फेंकना शुरू कर। ये पत्थर पूरी साल है, आ रही बात समझ में? ये पत्थर पूरी साल है और आज का जो दिन है ना, ये गर्म पत्थर है, आ रही बात समझ में? अगर आज के दिन को भी आपने सुचारू रूप से नहीं पढ़ा, बहुत से बच्चे आज भी एबसेंट है ना, नहीं आए, तो भैया बहनों अगर वो गर्म पत्थर आपके हाथ से निकल गया ना, तो दोबारा से फिर नवी क्लास पढ़ने के लिए आ जाना। हाँ, जैसे वो बेचारा बैठेगा दोबारा सारे पत्थर तो निकालेगा, वो कहने का मतलब पूरी किताब दोबारा से पढ़नी पड़ेगी तुम्हारे को, पूरे काम दोबारा से करने पड़ेंगे और रजिस्टर वगैरह सब दोबारा से परचेज करना पड़ेगा, और फिर जाकर के नवी क्लास में बैठोगे, फिर दसवीं में आओगे, वो भी कोई चांस नहीं आ सकते हो, है ना। इनको योगेश गुरु जी बोलते भैया, ये मान लो कि नवी में 50 बच्चे ना, तो 30 बच्चे 20 बच्चे 25 बच्चे तो फेल है ही, ये तो निकाल लो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हैं? तो इसलिए भैया बहनों ये जो दिन है इनको अच्छे से आप पढ़ो, है ना, और कीमती समय समझ करके आगे बढ़ो। और 10वीं क्लास 9th क्लास में कैसे भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10वीं क्लास में बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। और 1 मई से, मैंने पहले भी कहा था अब भी दोबारा से कह रहा हूँ, 1 मई को आओ, 1 जून को आओ, 1 जुलाई को आओ या 1 अगस्त को आओ, सबकी वही फीस है, आ रही बात समझ में? सबकी कोर्स की वही फीस, परीक्षा के दिन पहले आओगे तो वही फीस, वही कोर्स के हिसाब से वही फीस, मंथ के हिसाब से, जो मंथ के हिसाब से है वो रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ को विशेष ध्यान रखो, और जो विद्यार्थी अपने आस पड़ोस में आपके अपने दोस्त हैं उनको आप अलर्ट करो। ये जो पैम्पलेट हमने दिए ना आपको, ये पैम्पलेट इसीलिए दिए हैं कि आप अपने आस पड़ोस वालों को बता सको, प्रचार कर सको, प्रचार के लिए है ये। बच्चा आए या नहीं आए वो मामला डिपेंड नहीं कर रहा, आपका कर्तव्य क्या है, केवल उनको अवगत करवाना। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, देखो बांधका की तरफ से हमारे पास में पहली बार बच्चे आए थे, एक तो रोहतास मौर्य का और एक जो कुमेरलाल गुरुजी हैं प्रिंसिपल है ना, उनकी 3 बच्चियां थी भूमिका रही, तो ये बच्चे हमारे पास में आई, तो उन्होंने कहा कि सर जी हमें तो पता ही नहीं था कि ट्यूशन क्लास ऐसे ऐसे गाँव में चल रही है, पता ही नहीं था। और पता भी देखो मेरे को ना चेहरे से बहुत कम जानते हैं, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनके अभिभावक एक दो बार संपर्क में आ गए, वो केवल इसी नाम से जानते हैं गंजा गुरुजी जी, हाँ बाकी वास्तविकता में मेरा नाम का नहीं पता उनको, हकीकत बात है। और दूसरी बात, मैं गांव में इतना घूमता भी नहीं हूँ, भाई साहब बाइक के पीछे बैठे रहते हैं, इनका चेहरा देख करके मुझे पहचानते हैं कि हाँ गुरु जी वो है देवा ट्यूशन क्लास, और कई बार बताया भी है कि सर जी मैं थोड़ा ना पहचाना है, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि मैं अगर 10 मीटर भी जा रहा हूँ तो हेलमेट लगाता हूँ, और बहुत से लोग हेलमेट और गाड़ी से पहचानते हैं अगर बाइक पे चल रहा हूँ तो, बाकी वैसे पहचानते नहीं। तो ये है, ऐसे नहीं है कि हम घूमना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास में समय का थोड़ा सा विशेष अभाव रहता है, और ये विशेष ध्यान रखना गर्मियों की छुट्टियों में जंगली नहीं बढ़ना है, आ रही बात समझ में? आप हमसे जुड़े हुए हो, हमसे जुड़े हुए भी नहीं हो, जैसे मान लो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये हो जाए नवी फट लिया अब 10वीं देखांगा सीख कर चलांगा झुंझुनू चला या फिर दूसरी स्कूल चलांगा, मास्टर फट लिया अब के लेनो छापन, ऐसा सोचा नहीं है भैया बहनों। अगर हम ऐसे नहीं करें कि आपको दबाव दे रहे हैं कि हमें नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो, ये वाला मामला नहीं है, लेकिन वहां पे आप अपने संस्कार का परिचय तो दो कम से कम
हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं बाहर दिख गए कि हाँ भाई वो कमलेश वो खड़ा, हाँ भाई रुकते हैं, घर के सामने रुका, कमलेश अंदर, हम बाहर बोल रहे कमलेश कमलेश, कमलेश आ ही नहीं रहा बाहर, कमरे में ही है कमलेश, कमरे के बाहर हम खड़े हैं भाई, हम थोड़ी है कि कमरे के घर के अंदर ही घुस जाए, हम कैसे घुसेंगे भाई, हम तो बोल बाल के फिर वापस आ गए। तो ये कोई शिष्य के परिचय थोड़ी है, डिसिप्लिन होना चाहिए। अरे बहुत से अभिभावक मेरे को बोल देते हैं कि सर जी के पढ़ाया जो बालक ना जब थे आया तो थारा तरह स्पर्श कौन कर रहा है ये के पढ़ा दिए थे, अब वहाँ हमें भी कटना पड़ता है ना, माता पिताओं के चरण स्पर्श की तो बहुत दूर की बात है, गुरुजियों के चरण स्पर्श नहीं कर रहे, बताओ अगर कोई चेक करने आ जाए सपोर्टिस कोई और गायक ना कोई नमस्कार ना कोई राम, अरे भैया ये क्या उनसे तरीका है, और लड़कों की ये स्थिति है, और लड़कों की हाँ वर्तिका वर्तिका जाओगे, लड़कों लड़कियों की क्या स्थिति है, ऐसे मुंह पड़ लेंगे और हंसती हुई घर के अंदर, एक तारीख को आओगे ना सब डिसिप्लिन वारी है, मतलब वही तो बात है ना, डिसिप्लिन है ना तो पढ़ाई होती है, आप तो ये समझा रहे कि थे तो ये सोचा कि सुबह चलेंगे रोटी खान खान ले चलो रहने खा पी रहे बैठ, हाँ सर जी इनकी जो इनाम है बेन चप्पल छोड़ के जा रही थी क्या, एक बार हाथ ऊपर करो, हाँ वो तो सही है, सर जी आज भी हुई है, तो एक तो इसकी वेरी गुड क्यों हुई है, और स्टॉप खड़े दो खड़े दो, जिसके नाम बाकी है खड़े दो, दौड़ दो चार, ठीक है क्या हाँ तो खड़ी था, हाँ वो भी खड़े जाओ, वो भी खड़े जाओ, हाँ ठीक है, तो सर जी इनकी क्या क्या नाम है, तेरा तो पेन है उसकी, दो तो डिक्शनरी ले आओ, पेन ले आओ, तेरे दो नाम बाकी हैं, इसकी दो पेन, दो इसके पेन दे रहे हैं, दो डिक्शनरी लिया हुआ ना, दो डिक्शनरी लिया और पेन लिया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात पेन लिया और दो डिक्शनरी, तो भी आने का प्रयत्न करो इनकी तरह पहले ना, भाई बैठो ही पूरी है ना, बैठो अभी ले आते तब तक, है ना रिलैक्स करो, देखो इधर भाई बैठो, ऐसा नहीं है कि हम वेरी गुड नहीं देते, जो कमजोर विद्यार्थी जिसकी राइटिंग खराब है उसको मैंने वेरी गुड दिया है ना, अरे दिया है, ऐसे नहीं कि जो होशियार है और ये ध्यान से ध्यान में लगा लेना, बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी राइटिंग बहुत बेस्ट है लेकिन उसको वेरी गुड नहीं मिला ना, देखो हमारा ये प्रयास क्या है, ध्यान दो, हमारा प्रयास क्या है कि जो जिसकी राइटिंग खराब है वो थोड़ी सी राइटिंग अच्छी करे तो हम वेरी गुड दे दें, क्यों, क्योंकि उस वेरी गुड से उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी सुधर सके, जिसकी सुधरी हुई है उसको हम वेरी गुड क्यों देंगे, लेकिन फिर भी हम उसको वेरी गुड देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी ऐसे नहीं नहीं दे रहे, लेकिन ज़्यादा किसको दे रहे हैं, जिसकी राइटिंग खराब है थोड़ा बहुत अच्छा करने का प्रयास किया उसको, हाँ उसको हम वेरी गुड देते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास में रजिस्टर ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे नहीं उनको पांच वेरी गुड नहीं मिली, मिली है लेकिन तीन स्कोपी में दो स्कोपी में, ऐसा ही हो रहा है ना, आप प्रॉपर कॉपी लाओ ना, आप मोटी इस मीनू बहन का रजिस्टर देखो, शायद मेरे हिसाब से दो साल में ना भरे, इतना मोटा रजिस्टर ले आइए, और ऐसा ही तुम ले आओ भाई, हमेशा बोलता हूँ ना कि रजिस्टर एक प्रॉपर ऐसा लाओ जो साल भर में चले हो, और उसमें ऐसे नहीं, शायद इसकी सात आठ गुड होगी होंगी, कितनी हो, हाँ सात हो गई बताओ, तीन और मिल जाएंगे, ऐसा है नहीं बहन, हम किस किस की कॉपी को याद करेंगे, ऐसे कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इसको कितनी वेरी गुड मिल गई है, कभी देखा है क्या हमने, ऐसे नहीं देखते हम कभी, नहीं देखो, अगर ये वेरी गुड पर इनाम ना देना का उद्देश्य होता ना हमारा, तो हम क्यों बोलते भाई वेरी गुड के नाम,
हम मना ही कर देते। अरे एक चीज बताओ, ऐसा कोई ट्यूशन संस्था स्कूल वगैरह देखी है कि हर सप्ताह में कोई इनाम देता हुआ? कोई नहीं देता ना। हम किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं भैया। एक इसको हाथ में रख लिया ना।